चलो पहली बार बैठ रही है इसके ऊपर, चल रही है ये अभी चल रही है अभी ऊपर को जा रहे हम लोग अभी। So guys, आज मुगी इतनी ज़्यादा फटी, एक लड़का हो गया इससे। मेरी फटी। तेरी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। पिछला वीडियो आपने एंजॉय किया होगा। सो जो लास्ट वीडियो थी ना, उसमें हम लोगों ने मेले गए थे घूमने के लिए। अगर आप लोगों ने नहीं गए हो ना मेले में अभी तक घूमने के लिए, तो जाओ यार, प्लासी पे ही तो लगा है मेला, यहाँ पे यूथ मेला लग रखा है, सब लोग जाओ और इंजॉय करो। फिलहाल अभी हो रहा है सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं सबसे पहले उठ गया हूँ भाई 8 बजे, तो मैंने अभी बहुत सारे काम करने हैं। पूरा दिन का व्लॉग बनाएंगे आज, ठीक है? तो लेट्स सी, सबसे पहले बता रहा हूँ आटा गूंथने। उठते उठते जो सबसे पहला काम होता है वो ये होता है कि आटा गूंथना पड़ता है। सो आई एम डन विथ दैट वर्क। आटा मैंने गूंथ दिया है। फिलहाल अभी मैं अब झाड़ू लगाऊंगा अपने कमरे में। मेरे कमरे की हालत बहुत ही गंदी हो रही है राइट नाउ। अभी मैं लगा रहा हूँ बस झाड़ू पोछा अपने कमरे में और साफ सफाई कर रहा हूँ। अभी मेरे कमरे की जो हालत है ना वो देखो, ये मेरा बेड है जो कि मैंने बिल्कुल फोल्ड नहीं कर रखा। ये मेरा दूसरा वाला बेड है जहाँ पे मेरे कपड़े, चार्जर, लैपटॉप सब कुछ यहीं पर ही गिरा रखा है मैंने। तो चलो इसको साफ करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। सो फाइनली आई एम डन विथ ऑल माई वर्क। मैं आपको दिखाता हूँ मेरा रूम अब कैसा लग रहा है। ये सीन चेक करो, मैंने पूरा फोल्ड वोल्ड कर दिया, मैंने सब कुछ हटा दिया यहाँ से। फिलहाल अभी थोड़ा सा सही लग रहा है। सो गाइस, फिलहाल अभी मैंने नहा लिया है और मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट में आज बना है आलू के, मतलब सॉरी पराठे, सिंपल वाले नमक वाले पराठे होंगे और ये चाय है। टाइम हो रहा है अभी हमारा 10:30 और दिनों में अभी उठता था। आज मैंने 8 बजे उठ के 10 बजे तक बहुत सारे काम कर दिए हैं। अगर किसी को खाने तो आ सकता है ब्रो। मम्मी बाजार में जा रही है मक्के बेचने। हाँ, किसी को खाने मक्के, मक्के बेचने जा रही है बाजार है मम्मी। तेरी रेडी लगा देता हूँ बाजार में, पता किसी को मक्के खाने हैं तो संपर्क करो, हमारे घर में बहुत सारे मक्के हैं। है मम्मी बाजार जा रही है मक्के बेचने के लिए। आग जला दूंगा बाजार में किनारे में तेरे लिए। 10 रुपये का एक मक्का, सस्ता है हमारे वहाँ मक्का। जोका पार्ट विथ मॉम। फिलहाल मैं ये मक्के जा रहा हूँ अब बनाने के लिए गैस पे, एकदम मस्त वाले। अगर किसी को खाने हो तो संपर्क करना भाई। अगर आप लोग मेरी तरह ही गैस में से मक्के बनाते हो ना, तो गैस के सबसे लो फ्लेम में बनाए जाते हैं मक्के, लाइक इतने फ्लेम पे, इतने वाले फ्लेम पे, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से पक जाए। मम्मी बन गए मक्के, आओ। सो फाइनली मैंने मक्के वक्के तो खा लिए हैं। फिलहाल मैं जा रहा हूँ इंदु चाची के यहाँ। इंदु चाची से मिलाता हूँ आप लोगों को, बहुत टाइम से इंदु चाची को भी व्लॉग में नहीं डाल रखा है, तो लेट्स गो। इंदु चाची को परेशान करके आने थोड़ा। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया इंदु चाची के यहाँ, स्टिल डूइंग वर्क। भाई मैंने आज 8 बजे उठ के इतना काम करा ना, 2 घरों में झाड़ू पोछा करा, आटा गूंथा, खाना बनाया, खाना खाया और उसके बाद नहाया धोया। किसका किया फिर? अपना ही किया होगा। तो अपना ही तो किया, उसके बाद मक्के भी बनाए, मक्के भी खाए। ये रात तो खा भी रहा है तू? हां ना, दुकान खोल लो क्या? ये देखो क्या तो इधर आके जो छांटना है आपको छांट लो, जाता नहीं दुकान खोल लेंगे। और दुकान में ओनर, ये है दुकान का ओनर। ओए ओनर मुझे बताओ ये वाला जूता कितने का है? 2 रुपए का। भाई इतने सारे जूते रख दिए। ओए ओए मत करो, ओए लड़ाई मत करो, ओए मत मार, ओए सो फिलहाल अभी मैं आ गया हूँ इंदु चाची के यहाँ से और इंदु चाची लोगों के यहाँ बैठ के प्लान बनाया हम लोगों ने कि घूमने जाने करके। हम लोग घूमने जा रहे हैं कहाँ पे पता है? मेले में। जाओ यार एंजॉय करो उस मेले में, हम लोग भी जा रहे हैं आज। मैं तो अपनी फैमिली को लेके जाऊंगा, चाची लोग भी आने वाले हैं और नीचे भाभी है वो भी आने वाली है, सब जाने वाले हैं 3:30 बजे के टाइम पे। तो अभी बस अपना लंच करने जा रहा हूँ, उसके बाद जाएंगे हम लोग सीधा घूमने के। सो गाइस फाइनली टाइम हो गया है शाम के 4:30 और मैंने आपसे बोला था ना हम लोग जा रहे हैं मेले पे, तो चाची ने तो बस तामा दे दिया यार। चाची बोलिया 5 बजे आऊँगी करके, मैं वो सो रखी हैं, तो मैं अपनी मम्मी के साथ जा रहा हूँ। भाभी लोग ऑलरेडी पहुँच चुके हैं वहाँ पे, तो लेट्स गो। मैं हो चुका हूँ रेडी, तो चलते हैं सीधे मेले पे, मिलता आपको। हमारा छोटा पांडा भी आ गया है, छोटा पांडा, मम्मी और एक बेटी आई है मेरी। बेटी इधर देखो, चले चलो,
यार टिकट काट रहे हो, सच्ची बताओ। मम्मी तो बैठ नहीं रही है, मैं और भाभी जा रहे हैं। चलो भाभी भाई बैठ तो गए हैं, लेकिन अब पता नहीं क्या होने वाला है हमारे साथ। ये मेरा सेकंड टाइम है, मैंने लास्ट टाइम इतना हल्ला करा था ना भाई, इसमें आपने मैंने देखा है वीडियो में। चक्कर आ रहे मुझे भाई, कई गंदे वाले चक्कर। सो गाइस आज मुगी इतनी ज्यादा फटी, एक लड़का हो गया इससे। मेरी फटी दिख रहा था तो वीडियो में साफ साफ। वाले डब्बे में बैठा हुआ लड़कियां पीछे पीछे रख गई हुई गाइस। और तो कुछ नहीं, बस इससे खेलने आया हूँ मैं अब मेले में। अब आज के बाद मैं कई मेले में नहीं जाने वाला। था वीडियो शूट करने के लिए भाई, मेरा पूरा गीला हो गया अंदर से, इतना भयंकर गर्म हो रहा है ना। अंकित जाला भाई पंखा लगा लो अंदर। गाइस वो मैंने क्या भाई 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 सही है तो अभी मैं मम्मी को लेके जा रहा हूँ मनार होटल। अब मम्मी को लेने जा रहा हूँ मनार, मतलब लेके जा रहा हूँ मनार। मम्मी का रिएक्शन चेक करते हैं आज। चलो पहली बार बैठ रही है इसके ऊपर, चल रही है ये अभी। हुँ? चल रही है अभी, ऊपर को जा रहे हम लोग अभी। इसमें भी डर लग रही है तुझे? पता ही नहीं चलेगा, ऊपर पहुंच जाएंगे सीधा। नहीं लग रहा थोड़ा ना ये नेक्स्ट लेवल फीलिंग आ रही है अभी यहाँ पे बैठ के। ओए ओए मॉम किसको देख रही है तू? क्यों कहाँ चल रहे बिना खाए? मम्मी मुझे गाली कर रही है इतने महंगे होटल में को लेके आया भाई। भाई दोबारा हम लिफ्ट में आ गए हैं, अब जा रही नीचे, पता चल रहा है नीचे जा रही करके। मोमो खा के आए हम लोग मस्त करके। कैसे हो रहे थे? अच्छे हो रहे थे ना मम्मी? वो आती मैं लेके आई अभी तक। मनार से बाहर निकलते सीधे बारिश के हाथ पड़ गए हम लोग, मैं पूरा गीला हो चुका हूँ, मम्मी भी। सो गाइस फाइनली अभी मैं पहुंच गया हूँ घर पे। मेरा जैकेट पूरा गीला हो गया था, कपड़े वपड़े सब गीले हो गए थे। हम लोग मनार गए थे मम्मी और मैं, तो मम्मी का तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था यार मनार का। मम्मी पहली बार लिफ्ट में गई, मम्मी को मतलब पता ही नहीं चला हम ऊपर का पहुंच गए। मम्मी बहुत खुश हो गई, मतलब मनार में लेके गया मम्मी को होटल पे। तो आई होप आप लोगों को कोई ब्लॉग अच्छा लगा हुआ है, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना यार। बहुत ज़्यादा खुश हो रहा हूँ क्योंकि मैंने भाई खुद के पैसों से लेके गया था, जो मैंने खुद से कमाए हुए थे पैसे उन पैसों से लेके गया था मैं मम्मी को घुमाने के लिए। तो आप लोग भी लेके जाओ अपने पेरेंट्स को घुमाने के लिए, बस यही बोलना चाहता हूँ। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय। मुझे प्यार।